गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे, वही जो कल पढ़े हैं, मात्रा और शब्द। कल भाग एक पढ़े हैं, आज भाग दो पढ़ेंगे, क्योंकि लेसन थोड़ा बड़ा है। और बड़ा है फिर भी मात्रा शब्द थोड़ा कठिन है, क्योंकि अभी आप लोगों को मात्रा का ज्ञान ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम मात्रा और शब्द को एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि बात समझ में आ जाए। इसीलिए इसको तीन पार्ट में डिवाइड किए हैं। भाग एक हमने कल पढ़ा, आज भाग दो पढ़ेंगे, कल फिर भाग तीन पढ़ेंगे, ठीक है? तो कल हम क्या है पढ़े थे, भाग एक। तो भाग एक में हमने क्या पढ़ा था, मात्रा और शब्द। मात्रा शब्द में क्या पढ़ा था कि मात्रा क्या होता है, स्वर। स्वर की मात्राएं बनती हैं, हम लोग स्वर को मात्रा के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है? तो स्वर कितने होते हैं, कल हम लोग पढ़े थे, इसके पहले भी पढ़े थे, स्वर 11 होते हैं। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उरी ए ऐ ओ अ। स्वर कितने होते हैं, स्वर 11 होते हैं। इसके ये मात्रा है, बड़ा की मात्रा, ये छोटी की, बड़ी की, छोटा उ बड़ा उ री ए ऐ ओ अ, ठीक है? ये मात्रा हो गया, इससे शब्द हैं। कल मैंने ख से बना, फिर आप लोगों को गग्गा गिग्गी ऐसे करके उसको दस खड़ी कहते हैं, कहते हैं जो कक्कागी की कुकू के कै को कौ, उसको दस खड़ी कहते हैं। दस खड़ी कहते हैं उसको, दस खड़ी पढ़ाते हैं, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमने नोट बनाया है आज, वही मात्रा और शब्द हमने नोट बनाया है, उन नोट से आपको पढ़ाएंगे। तो क्या है, आज हम लोग मात्रा और शब्द भाग दो पढ़ेंगे, कल हम लोग भाग तीन पढ़ेंगे, आज भाग दो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, भाग दो। क्या पढ़ेंगे, भाग दो, ठीक है? तो आज हम लोग मात्रा और शब्द का भाग दो पढ़ेंगे। देखिए क्या है, वही स्वर, अभी हमको क्या पढ़ना है, स्वर। तो स्वर हो गया, ये किनारे से देखिए लिखा हुआ है, स्वर कितने होते हैं, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक। छोटा, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है? छोटा की कोई मात्रा नहीं होती, इसका कोई मात्रा नहीं होता, ठीक। और बड़ा, बड़ा का मात्रा कैसा होता है, एक खड़ी पाई, क्या होता है, खड़ी पाई। छोटी की मात्रा क्या होती है, एक खड़ी पाई, फिर ऊपर से ऐसे मिला देते हैं, ऊपर से इसे झुका हुआ होता है, खड़ी पाई और ऊपर से झुका हुआ होता है। लेकिन किसी भी अक्षर के क्या होता है, बाईं ओर लगता है। जब हमको छोटी की मात्रा किसी भी अक्षर पर लगानी होती है, तो हम उस अक्षर के बाईं ओर लगाते हैं, ठीक। अब बड़ी, बड़ी की मात्रा क्या होती है, एक लाइन होता है, खड़ी पाई और मात्रा इधर झुका होता है। छोटा उ, छोटा उ की मात्रा किसी भी अक्षर में गोली बनाते हैं, इसको ऐसे बाईं ओर खींचते हैं सीधी अपने हाथ के इधर, तो ये छोटा उ की मात्रा। बड़ा उ की मात्रा गोली बना के उल्टा ऐसे बना देते हैं, ये बड़ा उ की मात्रा। फिर री की मात्रा आधी गोली, री की मात्रा क्या है, आधी गोली। फिर ए, ए क्या होता है, किसी भी अक्षर पे बस एक मात्रा। आय क्या होता है, किसी भी अक्षर पे दो मात्राएं, ऊपर किसी भी अक्षर पे दो मात्राएं ऊपर। और ओ की मात्रा क्या होता है, एक लाइन में एक मात्रा है, ए ओ की मात्रा है। ओ की मात्रा क्या है, एक लाइन में दो, एक लाइन में दो मात्राएं ऊपर की ओर, ठीक है? ये मात्रा हो गया, हमने क्या पढ़ा, मात्रा। स्वर होता है, स्वर को अब हम लोग छोटा बड़ा करके नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग मात्रा के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है? स्वर का मात्रा के रूप में कैसे प्रयोग होता है, ऐसे हम पढ़ेंगे, ठीक है? बड़ा का मात्रा ये, छोटी बड़ी, इसको मात्रा के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है? तो हमने स्वर और मात्रा पढ़ लिया। अब स्वर और मात्रा मिला के शब्द कैसे बनते हैं, ये शब्द पढ़ते हैं मात्रा और स्वर के साथ में, ठीक है? तो आइए देखिए शब्द बन रहा है, क्या हो रहा है, शब्द बन रहा है। शब्द क्या है, सबसे पहले हम पढ़े कि अ का कोई मात्रा नहीं होता, जो छोटा अ होता है, छोटा से अनार, जो छोटा से अनार पढ़ते हैं, इस अक्षर की कोई मात्रा नहीं होता, ठीक। अब देखिए बड़ा, बड़ा क्या बोले, इसका मात्रा कैसा होता है बेटा, बड़ा की मात्रा एक लाइन होती है, किसी भी अक्षर के बगल में एक लाइन होता है। जैसे देखिए हमने शब्द लिखा हुआ है, र पर आ की मात्रा, एक कौन सी मात्रा, आ की मात्रा, किसी भी अक्षर के बाद एक लाइन तो हो गया ना, र के बाद एक लाइन, तो क्या हो गया, आ की मात्रा। एक कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा, र में आ की मात्रा, माने र के बाद एक खड़ी पाई, ठीक। फिर ध में भी आ की मात्रा है, ध के बाद एक खड़ी पाई, यानी कि आ की मात्रा। तो क्या हो गया, र पर आ की मात्रा, रा
ध पर आ की मात्रा धा, क्या हो गया राधा। आ की मात्रा से शब्द है ये, र पर आ की मात्रा रा, अब ध पर आ की मात्रा धा राधा। यहाँ हम लोग आ का प्रयोग नहीं किए हैं, किसका प्रयोग किए हैं, मात्रा का, ठीक है, आ का स्वर यानी कि स्वर का प्रयोग नहीं किए हैं। यहाँ अक्षर के साथ ये व्यंजन अक्षर है ना, ये व्यंजन वर्ण है, क्या है, व्यंजन रह ना, क से लेके ह तक सब व्यंजन वर्ण होते हैं, तो ये व्यंजन के साथ स्वर मात्रा के रूप में लगा है। तो बड़ा की कौन सी मात्रा है, बड़ा, तो र पर आ की मात्रा रा, ध पर आ की मात्रा धा राधा। ऐसे क्या है, मैं कौन सा अक्षर है, म, ये कौन सा अक्षर है, म से मछली, म, म में कौन सी मात्रा लगी है, आ की मात्रा, कौन सी मात्रा लगी है, आ की मात्रा। फिर ये कौन सा अक्षर है, ल, ल में कौन सी मात्रा लगी, आ की मात्रा, तो क्या हो गया, म पर आ की मात्रा मा, ल पर आ की मात्रा ला, माला, ठीक है, म पर आ की मात्रा मा, ल पर आ की मात्रा ला, माला। अब फिर देखिए ग कौन सा अक्षर है, ग, ग पर आ की मात्रा कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा, क्योंकि क्या हो, बड़ा आ की मात्रा में एक सीधी लाइन होता है, खड़ी पाई, किसी भी अक्षर के बगल में एक खड़ी पाई, तो क्या कहेंगे, आ। ग पर आ की मात्रा गा, न पर आ की मात्रा ना, गाना, क्या हो गया, गाना। अब देखिए ये क्या है, कौन सा अक्षर है, कौन सा अक्षर है, द, कौन सा अक्षर है, द, द पर आ की मात्रा कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा, कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा, द पर आ की मात्रा द, न पर आ की मात्रा ना, दाना, ठीक है, ये आ की मात्रा से शब्द है, राधा, माला, गाना, दाना। अब देखिए छोटी, ये कौन सी मात्रा है, छोटी, छोटी की मात्रा सीधी लाइन और ऊपर से ऐसे झुका हुआ होता है, तो कौन सी मात्रा है ये, छोटी, कौन सी मात्रा है, छोटी। अब छोटी की मात्रा से शब्द देखिए, सिर्फ पेन ले आइए, इस शब्द देखिए, छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा से शब्द क्या है, पढ़ते हैं, ये मात्रा हम बताए हैं कि छोटी की मात्रा अक्षर से में पहले यानी कि बाई ओर लगाई जाती है, छोटी की मात्रा किसी भी अक्षर में बाई ओर लगाई जाती है, ठीक, तो द पर छोटी की मात्रा दिन, दिन, द पर छोटी की मात्रा दि, न, दिन, कौन सी मात्रा है, छोटी, द पर छोटी की मात्रा दि, न, दिन। यह कौन सी है, ये भी छोटी की मात्रा, म पर छोटी की मात्रा मि, ल, मिल, ख पर छोटी की मात्रा खि, ल, खिल, देखिए ह पर छोटी की मात्रा हि, रन, हिरन, ह पर छोटी की मात्रा हि, रन, हिरन, ठीक है, ये कौन सी मात्रा है, छोटी, द पर छोटी मात्रा दिन, दिन, मिल, खिल, हिरन। अब देखिए बड़ी, बड़ी की मात्रा एक खड़ी पाई और इधर से झुकी हुई होती है, बड़ी छोटी की मात्रा इधर से, बड़ी की मात्रा इधर से, ठीक, तो अब बड़ी की मात्रा से शब्द बना है, देखिए ख कौन सा अक्षर है, ख से खरगोश, कौन सा अक्षर है, ख, ख पर बड़ी की मात्रा खीर, खीर, ख पर बड़ी की मात्रा खीर, खीर, न पर बड़ी की मात्रा नीर, नीर, प पर बड़ी की मात्रा पी, ल पर आ की मात्रा ला, पीला, प पर आ की मात्रा पा, न पर बड़ी की मात्रा नी, पानी, ठीक है, खीर, नीर, पीला, पानी। अब छोटा उ की मात्रा, छोटा उ है, ये मात्रा है, ये देखिए ऐसे ही मात्रा का किसी भी अक्षर पर नीचे उसी लाइन के जो प बना है ना, पै की जो लाइन होती है उसी के नीचे गोली बनाएंगे और सीधा अपने हाथ की तरफ ऐसे करेंगे, सीधे इधर बाई ओर, पुल, क्या है, पुल, प पे छोटा उ की मात्रा पुल, पुल, ग पे छोटा उ की मात्रा गू, ल पर आ की मात्रा ला, ब, देखिए ए आ की मात्रा एक पाई बनी हुई है ना, खड़ी पाई, गुलाब, गू, ग पे छोटा उ की मात्रा गू, ल पर आ की मात्रा ला, ब, गुलाब, स पे छोटा उ की मात्रा सुन, सुन, सब पे छोटा उ मात्रा सुन, सुन, ध पर छोटा उ की मात्रा धुन, धुन। अब देखिए यहाँ ये बड़ा उ है, बड़ा उ की मात्रा क्या होता है, आधी गोली और उल्टा इधर खींच देते हैं। फिर देखिए बड़ा उ की मात्रा से शब्द फ में क्या है, फ पर बड़ा उ की मात्रा फूल, फूल, ज में बड़ा उ की मात्रा जूत, पर आ की मात्रा ता, जूता, स पर बड़ाऊ की मात्रा छोटा सा है, छोटा स पे बड़ाऊ की मात्रा सूरज, सूरज, च में बड़ाऊ की मात्रा चू, है पर आ की मात्रा कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा, च
पिक्चर में बड़ाओ की मात्रा चूहा, पराग मात्रा हा चूहा। अब देखिए कौन सी मात्रा है री, कौन सी मात्रा है री की मात्रा। री की मात्रा क्या होती है, आधी गोली, नीचे किसी भी अक्षर में नीचे आधी गोली। अब नीचे आधी गोली मतलब देखिए मरी की मात्रा मृग मृग, न में री की मात्रा देखिए री आधी गोली, इसी भी अक्षर पे अक्षर है इसमें ऐसे आधी गोली, ठीक है। न में री की मात्रा नृप नृप, घ में री की मात्रा घृत, किसी भी अक्षर पे रहेगा उसे री पर भी पढ़ेंगे। जैसे म में री मृ ग मृग, न में री नृप नृप, घ में री घृत घृत घृत, त में री की मात्रा त्रिड 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 त्रिड, ठीक है। अब देखिए एक ही, एक ही मात्रा क्या होता है किसी भी अक्षर पे ऊपर एक मात्रा। ऐसे देखिए म क्या अक्षर, कौन सा अक्षर है म, म पर एक ही मात्रा, मेला पर आ की मात्रा, कौन सी मात्रा है आ की मात्रा मेला, म पर एक ही मात्रा, मेला पर आ की मात्रा ला मेला, क में एक ही मात्रा के ल पर आ की मात्रा ला केला, क र पर एक ही मात्रा रे ल पर आ की मात्रा ला करेला, र पर एक ही मात्रा रेल रेल, ठीक है, मेला केला करेला रेल। आय की मात्रा, आय में दो मात्रा, जैसे ए में एक मात्रा और आय में दो मात्रा। देखिए ख पर आय की मात्रा खैर खैर, ग पर आय की मात्रा गैर गैर, प पर आय की मात्रा पैर पैर, स पर छोटा स पर आय की मात्रा सैर सैर, ठीक, खैर गैर पैर सैर। अब ओ की मात्रा, ओ की मात्रा में एक लाइन होता है ऊपर एक मात्रा, ठीक, ओ की मात्रा। अब देखिए त पर ओ की मात्रा, त में जब ओ की मात्रा लगानी है त लिखेंगे, उसके बाद एक लाइन बनाएंगे, उसके बाद एक मात्रा देंगे, तो त पर ओ की मात्रा तो, त पर आ की मात्रा, कौन सी मात्रा है आ की मात्रा ता तो ता, त पर ओ की मात्रा तो, त पर आ की मात्रा ता तो ता, र पर ओ की मात्रा रो, ट पर बड़ी की मात्रा टी रोटी, ये कौन सी मात्रा है बड़ी, क्योंकि इधर झुका हुआ है, तो क्या हो गया र पर ओ की मात्रा और ट पर बड़ी की मात्रा रोटी, क ट पर ओ की मात्रा टो, र पर बड़ी मात्रा री कटोरी, क्या हो गया क ट पर ओ की मात्रा टो, र पर बड़ी मात्रा री कटोरी। अब देखिए अ की मात्रा, ओ की मात्रा में एक मात्रा और अ की मात्रा में ऊपर दो मात्राएं, ठीक, तो देखिए शब्द बना है प पर औ की मात्रा पौ, ध पर आ की मात्रा धा पौधा, प में औ की मात्रा क्योंकि एक लाइन है और दो मात्रा है, तो प में औ की मात्रा पौ, ध पर आ की मात्रा धा पौधा, न पर औ की मात्रा नौ, त पर आ की मात्रा का नौका, च पर औ की मात्रा चौ, प पर बड़ी की मात्रा की चौकी, ल पर औ की मात्रा लौ, क पर बड़ी की मात्रा की लौकी, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए, ये मात्रा और शब्द, स्वर की क्या मात्रा होती है और मात्राओं से बने दो दो तीन तीन चार चार जो भी शब्द है हमने पढ़ लिए। तो आज आप लोग बस यही जो मैंने नोट तैयार किया हुआ है यही अपनी कापी पर, पुरानी कापी जो भी कापी घर पे होगी उस पे लिख के ये मात्रा और उससे बने शब्दों को आप लोग याद कर लीजिएगा, लिखिएगा और इसे उच्चारण करिएगा, ऐसे मात्रा लगा लगा के, मात्रा लगा लगा के उसको पढ़िएगा, ठीक है, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। कल हम लोग जो बुक का एक्सरसाइज है उसे भाग तीन में पढ़ेंगे, ठीक है, धन्यवाद।